हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टेर कैसे हैं आप लोग आई होप खुश होंगे अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे हैप्पी होंगे डियर आज का टॉपिक है थर्ड पार्टी डेली अपडेट तो चलिए देखते हैं कि थर्ड पार्टी डेली अपडेट में क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेकर क्या चल रहा है उनके माइंड में और क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेकर ओके तो चलिए देखते हैं कि कार्ड क्या बता रहे हैं वो पार्टनर जो आपको छोड़ के इस थर्ड पार्टी के चक्कर में उलझ गया है वो पार्टनर जो आपसे झूठ बोलकर इस थर्ड पार्टी से अटैच हो गया है वो पार्टनर जो आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करता है वो पार्टनर जो आपको धोखा देके गया है उस पार्टनर की एनर्जीज पर हम नजर डालेंगे और देखेंगे कि उस पार्टनर की एनर्जीज क्या है इस थर्ड पार्टी के साथ में और डियर ये, ये पार्टनर जो है अगर आपके साथ में रहता है जिसने आपको चीट किया है जिसने थर्ड पार्टी के साथ में मिलकर आपको कहीं ना कहीं रुलाया है तो वो पार्टनर की एनर्जीज क्या है आपको लेकर आपको लेकर क्या फील करते हैं प्लीज यूनिवर्स गाइड करें और बताए कि मेरे व्यूवर जो है उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है थर्ड पार्टी के साथ में इस थर्ड पार्टी के साथ में वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं वो सारी चीजें हम देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर टू कार्ड्स आए हैं देख लेंगे क्या कार्ड्स हैं पर चलिए और कार्ड्स निकाल लेते हैं प्लीज यूनिवर्स गाइड करें बताएं कि क्या है चलिए काफी कार्ड निकल चुके हैं और डियर यहाँ पर से बात करी जाए तो व्हील ऑफ फॉर्चून है दैरो पेंट है टू ऑफ सोर्ड्स है ये है बॉटम की एनर्जी ओके तो चलिए कार्ड्स क्या बता रहे हैं थर्ड पार्टी वो थर्ड पार्टी क्या फील कर रही है आपको लेकर और आपके पार्टनर के साथ में क्या चल रहा है जिसके तरफ आपके पार्टनर के कदम बड़े थे आपको झूठ बोलकर ये पार्टनर उस थर्ड पार्टी की तरफ गए थे आपको चीत करके ये पार्टनर उस थर्ड पार्टी की तरफ गए थे तो उस थर्ड पार्टी के साथ में आपके पार्टनर के रिलेशन कैसे चल रहे हैं आपके पार्टनर के इमोशंस कैसे हैं उस थर्ड पार्टी के साथ में कैसे बातचीत चल रही है दोनों के बीच में तो डियर यहां पर अगर बात करी जाए तो ऐसा ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन दोनों के बीच में ऐसे सिचुएशन है जहां पर आपके पार्टनर की कुछ बेवकूफिया नजर आ रही है कुछ तो इस पार्टनर ने ऐसा किया है जहां पर सब कुछ खराब सा हो गया है और यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स देखिए एनर्जीज को आप देख सकते हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं हंड्रेड परसेंट यहाँ पर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का रिलेशन जो है वो किस दौर से गुजर रहा है यहाँ पर मुझे कुछ इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी जो है वो आपके पार्टनर के साथ में कुछ ऐसी एनर्जीज में दिखाई दे रही है कि जहां पर आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी के साथ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी आपके पार्टनर जो है दुखी है और बहुत ज्यादा सैड है कहीं ना कहीं हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हैं वो पल ढूंढ रहे हैं जब ये पार्टनर इस तरह से किसी के साथ में घुमा करते थे इस तरह से किसी के साथ में वो बैठा करते थे तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ बता रही है कि आपके पार्टनर वो पल तलाश रहे हैं जिसमें कभी आप उनके साथ हुआ करते थे और ये एनर्जीज आई है यहां से है एस ऑफ पेंटिकल्स ओके तो डियर कार्ड बता रहे हैं कि साइन क्या है चलिए साइन मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ तो यहाँ पर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है एरीज लियो है जेमिना लिब्रा एक्वेरियस है और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है तो ऑलमोस्ट हमारे पास में सारे साइन आ चुके हैं और डियर बात करी जाए कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेकर क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर को लग रहा है कि थर्ड पार्टी के तरफ आपके पार्टनर अभी बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं कि बहुत गुस्से में बात कर रहे हैं किसी बात का गुस्सा इस थर्ड पार्टी पे निकाल रहे हैं अगर ये थर्ड पार्टी फैमिली है तो भी आपके पार्टनर को बहुत गुस्सा आ रहा है और अगर कोई रोमांटिक पार्टनर है तो भी आपके पार्टनर जो है इस थर्ड पार्टी की तरफ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है बहुत ज्यादा डिप्रेशन में दिख रहे हैं आपके पार्टनर इतना ज्यादा इनका दिमाग जो है घूम रहा है यू समझ लीजिए कि इनके दिमाग पे बहुत असर पड़ रहा है ये पार्टनर बहुत कुछ सोचते हुए दिख रहे हैं इनको लग रहा है सिचुएशन जो है वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है तो यहाँ पर आपके पार्टनर का बात करने का कर जो नजरिया है इस थर्ड पार्टी की तरफ वो बदल चुका है पहले पार्टनर इस थर्ड पार्टी की जी जी हा जी करते थे पर अब ऐसा लग रहा है कि पार्टनर को ऐसा महसूस हो रहा है अभी उनके एनर्जी में चेंज आया है कुछ बदलाव यहाँ पर दिख रहा है डियर हो सकता है कि ये फोर फोर पोर्टल के कारण आपके पार्टनर के अंदर कुछ चेंजेस आए कुछ बदलाव आए हैं जिससे पार्टनर का दिमाग की एनर्जी इस तरह की हो गई है कि बहुत ज्यादा ओवर करने लगे बहुत ज्यादा सोचने लगे हैं कुछ बातों को लेकर क्लियरिटी चाह रहे हैं अपनी जिंदगी में इनको लग रहा है कि कुछ बातें इनको जानना जरूरी है जो इनके लिए बहुत ही मायने रखती है पर डियर यहाँ पर ये पास्ट की कुछ बातों को लेकर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है पास्ट की कुछ चीजों को लेकर सोच रहे हैं अभी आपके पार्टनर किसी तरह के रिस्क को लेने के बारे में सोच रहे हैं इस थर्ड पार्टी के साथ में हो सकता है कि आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं बैक जाने का मन कर रहा है मतलब पीछे जाने का मन कर रहा है और आपके पार्टनर चाहते हैं थर्ड पार्टी से वो दूरियां मेंटेन करे पर नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ज्यादा आपके पार्टनर के एनर्जीज को सेट कर रही है बहुत ज्यादा उनके एनर्जीज में पार्टनर जो है अपने आप को अकेला पा रहे हैं पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी के साथ में वो बहुत दुखी है बंधा हुआ फील कर रहे हैं अपने आप में और उनको लग रहा है कि ये पार्टनर जो है किसी कारण से आपसे बहुत दूर हो गए हैं ये थर्ड पार्टी के ही एनर्जी है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इस थर्ड पार्टी के साथ में रह रहे कर उन्होंने अपनों को खो दिया है जिनके साथ में वो कभी टाइम स्पेंड किया करते थे कुछ अच्छे पलों की यादों में खोया रहते थे तो वो चीजें दिख रही है और इसीलिए ये पार्टनर जो है ना पास्ट की एनर्जी को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा उस पल को याद कर रहे हैं बहुत ज्यादा खो रहे हैं किसी न किसी बात को लेकर और रो भी रहे हैं इनको लग रहा है कि यार ये थर्ड पार्टी के आ जाने से या थर्ड पार्टी को अपनी जिंदगी में लाने से मैंने अपनी जिंदगी के कुछ अनमोल रत्नों को खो दिया है कुछ अनमोल पलों को खो दिया है और मैं अब अकेला रह गया हूं या अकेली रह गई हूं अब मेरे साथ में मुझे सपोर्ट करने वाला या मुझे प्यार देने वाला कोई नहीं है एक टाइम था जब मुझे बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं सपोर्ट करते थे एक टाइम था कि मुझे कोई प्यार करता था मुझे कोई आ, हद से ज्यादा लव दिया करता था पर मैंने क्या किया मैंने उस इंसान का दिल तोड़ दिया तो ये अपनी कुछ बातों को लेकर पास्ट के कुछ रिश्तों को लेकर बहुत ज्यादा चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं दर्द में तकलीफ में बहुत ज्यादा तड़पते हुए दिख रहे हैं इनको अपना प्यार याद आ रहा है अपना इमोशन आपका और इनका जो रिश्ता था जिस तरह से भी ये पार्टनर आपसे अटैच थे वो चीज को याद कर रहे हैं आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि ये एक बार फिर से एक सेकेंड चांस आप इनको दे दें तो वो चीज दिखाई दे रही है ये एक सेकंड चांस के लिए तड़पते दिख रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि एक मौका तो ये खो चुके हैं आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि ये एक मौका खो चुके हैं आपसे दूर होकर और डियर इस थर्ड पार्टी को अपनी जिंदगी में लाकर अगर ये स्टैंड ले लेते अगर ये आपके लिए कहीं ना कहीं आ, अपनी दिल में कुछ चीजों को समझ पाते फील कर पाते तो शायद ये पार्टनर आपसे दूरियां नहीं बनाते और आज आप इनके बहुत करीब होते तो यहाँ पर ये पार्टनर कुछ चीजों को लेके बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हैं और ये इसीलिए ये थर्ड पार्टी पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में दिख रहे हैं आपके पार्टनर इतना ज्यादा बर्डन ले रहे हैं इतना ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं कि इनको पास्ट की एनर्जी बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है और डियर ये इसलिए भी हो सकता है कि मून का इफेक्ट पड़ा है फुल मून के इफेक्ट के कारण आपके पार्टनर को आपकी एनर्जी फील हो रही है हो सकता है कि आप आपके पार्टनर को किसी तरह का कोई एनर्जी सेंड कर रहे हैं या फिर आप याद कर रहे हैं भले ही आपके इंटेंशन लव वाले हो या फिर हेट वाले हो पर आप इस तरह से उसको याद कर रहे हो कि उसको वो चीजें जो है फील हो रहा है तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं इस रिलेशन को इस लव को फील करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी तरफ कोई एनर्जी जो है वो आपके पार्टनर को खींच रही है बार बार आपके पार्टनर को आपकी बात याद आ रही है तो ये पार्टनर उस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं इनका जो माइंड है ना उसमें आप 24 फोर आवर्स घूम रहे हो पता है आपको लेकर ये बार बार सोच रहे हैं फिर सोचते हैं कि मैं किसी तरह का रिस्क ले लू मैं किसी तरह से कोई एक्शन ले लू मुझे इस दुख भरी जिंदगी में नहीं रहना है ये थर्ड पार्टी जो है इसके साथ में मैं कितना टाइम क्या क्या कर सकता हूँ क्या नहीं पता नहीं कितना टाइम मैंने इस थर्ड पार्टी को दिया है उसके बावजूद आज तक उनको ऐसा नहीं फील हुआ की थर्ड पार्टी के साथ में वो दिल से अटैच है तो यहाँ पर आपके पार्टनर का दिल जो है दिमाग बता रहा है उन्हें कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि वो दिल से अटैच नहीं हो पाए है इस थर्ड पार्टी के साथ में इस थर्ड पार्टी के साथ में बंधे तो है पर इस थर्ड पार्टी के साथ में जो बंधन है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपके पार्टनर को की एक कैर में आ गए हैं तो ये पार्टनर बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हैं बहुत ज्यादा तकलीफ में दिख रहे हैं वो चीजें हो रही है बहुत ही दर्द भरी सिचुएशन में दिखाई पड़ रहे हैं आपके पार्टनर चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं अपने दिल का दर्द जो है किसी से कह नहीं पा रहे दीवारों में सर पटकते दिख रहे हैं आपके पार्टनर इतनी बुरी तरह से इनको हर्ट हो रहा है आपकी और इनकी जो यादें है वो इस पार्टनर को बहुत बेचैन कर रही है ये पार्टनर सोच रहे हैं कि वो पल कहा से लेके आए एक बार का जो रिश्ता था इन्होंने खराब कर लिया आपका दिल तोड़ के गए इस पार्टी के पीछे ये आपकी जिंदगी से निकल गए और डियर यहाँ पर ये पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि आपका जो इन्होंने हाल किया है जिस भी कारण से इस पार्टनर ने आपके दिल को ठेस पहुंचाई है आपके दिल से दूरियां बनाई है तो ये पार्टनर उन चीजों को लेकर बहुत कुछ सोचते दिख रहे हैं बहुत कुछ जांचने परखने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो हो वो अभी कैसी एनर्जी में हो क्या आपके दिल को भी उनकी जरूरत है क्या आप अभी उनके बिना रह सकते हो तो यहाँ पर ये पार्टनर आपके दिल की बातों को जानने के लिए बेकरार हो रहे हैं आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपको लेकर दूसरा मौका चाह रहे हैं अपनी जिंदगी में एक ऐसा मौका चाहते हैं एक मौका तो इस पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी के चक्कर में गवा दिया हो सकता है कि ये पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाह रहे थे हो सकता है ये पार्टनर आपकी जिंदगी में आ रहे थे लेकिन इस थर्ड पार्टी ने इस कदर आपके पार्टनर का हाथ पकड़ा कि ये पार्टनर पीछे खिंच गए और आपके पार्टनर ने आपसे दूरियां मेंटेन करी है तो वो चीज दिख रही है लेकिन अब ये पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं आपको लेकर सोचते हुए दिख रहे हैं कि अगर ये पार्टनर आपका हाथ थामेंगे तो आजीवन के लिए हाथ थामेंगे भले ही ये थर्ड पार्टी फैमिली हो या कोई भी हो अब ये पार्टनर उसके अगेंस्ट जाने के लिए रेडी हो रहे हैं अब ये वेट नहीं कर सकते इंतजार नहीं कर सकते आपसे दूर रहने का ये अब किसी तरह का स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं इनको रहा नहीं जा रहा है आपके बिना आपका साथ चाह रहे हैं आपके पार्टनर इसीलिए ये बहुत ज्यादा तकलीफ फील कर रहे हैं बहुत ज्यादा दर्द फील कर रहे हैं और डियर हो सकता है कि आपके पार्टनर कभी आपसे इतने दिन तक दूर नहीं रहे हैं लेकिन अभी ये फर्स्ट टाइम हो सकता है या फिर कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी के कारण बार बार चीजें ऐसी रही है कि आपके पार्टनर आते जाते रहे हैं लेकिन कुछ लोगों के लिए फर्स्ट टाइम ही है जो आपके पार्टनर और आपके बीच में इतना लंबा गेप आ गया है और आपके पार्टनर एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं आपको लेके बहुत ज्यादा पैशनेट हो रहे हैं बहुत ज्यादा सोचा जा रहा है किसी बात को लेकर और डियर एक अट्रैक्शन एक खिंचाव आपकी तरफ फील कर रहे हैं पर अपनी बातों से ये नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि इनकी बातों में ऐसा दिख रहा है कि ये गुस्सा है नाराज है एक ऐसा गुस्सा जिसके पीछे प्यार छुपा है आ, कुछ लोगों के पार्टनर जो है अपने प्यार को छुपा के बैठे हैं। डियर यहाँ पर ये थर्ड पार्टी इनकी वाइफ भी हो सकती है पर डियर आपके पार्टनर को लग रहा है कि वाइफ के साथ में इनकी लाइफ जो है किसी तरह से आ, अनबेलेंस है आपके पार्टनर शायद आपके साथ में इतना टाइम स्पेंड नहीं किए हैं जितना कि उस वाइफ के साथ में या उसकी रोमांटिक पार्टनर के साथ में उन्होंने किया है पर वहां पर वो दिल से अटैच नहीं हो पाए वहां पर उन्होंने अपना हंड्रेड परसेंट देने की कोशिश की जबकि आपके रिश्ते में ये पार्टनर इतना एफर्ट नहीं डाले थे इतना इस रिश्ते में नहीं उतरे थे जितना की अब उनको फील हो रहा है दूर यानी थोड़े ही टाइम में आपके साथ में ये रिश्ता जो है उन्हें बहुत मजबूत लगने लगा है लेकिन इस थर्ड पार्टी पे इतना सब कुछ करके इतना एफर्ट डाल के भी ये पार्टनर अधूरापन महसूस कर रहे हैं उन्हें लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी के साथ में जो रिश्ता है जो फीलिंग्स है वो कहीं ना कहीं अधूरी अधूरी है आपके पार्टनर अधूरा मानते हैं अपने आप को उनको लगता है कि वो अधूरे रह गए हैं कहीं ना कहीं वो पूरा होना चाहते हैं और पूरा कौन कर सकता है आप कर सकते हो वो कम्प्लीट फील करना चाहते हैं अपने आप को इस रिश्ते को कम्प्लीट फील कराना चाहते हैं और आपके पार्टनर के दिल में यही बातें हैं कि वो आपके साथ में एक ऐसा घर बनाए एक ऐसा आशियाना बनाए जिसमें आप और वो हो और डियर यहाँ पर ये फैमिली बनाने के बारे में भी सोच रहे सेकेंड चांस चाहते हैं या फिर आप मैरिज पर्सन हैं हो सकता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में वो रिलेशन है हस्बैंड वाइफ वाला या फिर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं और डियर आपके बच्चे भी हैं आपके पार्टनर को अपने बच्चों की बहुत याद आ रही है बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं अपनी गलतियों को लेकर भी आना तो नहीं चाहते हैं कुछ लोगों के पार्टनर पर अपनी गलतियों पर रिग्रेट फील करते हुए हो सकता है किसी तरह से ये आपको स्पाई करे ये आपको कहीं ना कहीं देखे हो सकता है कि आपसे आपके बच्चों से बात करने की कोशिश करे इस तरह का कुछ एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है डियर कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों का ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर एक नई शुरुआत एक नए सिरे से जिंदगी को जियेंगे रिस्क क्यों ना लेना पड़े पर ये आपका हाथ थामेंगे डियर अगर आप नाराज हैं अगर आप गुस्सा हैं आप मूव ऑन कर चुके हैं ये पार्टनर आपके दिल की नाराजगी को दूर करेंगे उसके लिए रिस्क लेते दिख रहे हैं किसी न किसी तरह से जो भी बंधन है उसे तोड़कर ये आपके दिल को अपने दिल से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे आपका हाथ अपने हाथों में लेना चाहते हैं और डियर आपको ये प्रपोज करना चाहते हैं ये अपना प्रपोजल भरा कप आपको देना चाहते हैं अपने लव से अपने लव से ये आपको बताना चाहते हैं कि ये पार्टनर आपको बहुत लव करते हैं बहुत सारा प्यार करते हैं बहुत सारी फीलिंग्स है इनके दिल में और डियर ये डेविल वाली एनर्जी में भी दिख रहे हैं आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा लविंग एनर्जी है बहुत ज्यादा प्यार है किसी तरह का अट्रैक्शन आपके पार्टनर को खींच के आपकी तरफ ला रहा है इनका माइंड बता रहा है इनका इंट्यूशन इन्हें गाइड कर रहा है कि ये पार्टनर को आपकी तरफ आना है और ये वही चीजों के बारे में सोचते दिख रहे हैं कि इनको आपकी तरफ आना होगा इनको आपकी तरफ एक्शन लेना होगा कहीं ना कहीं इस पार्टनर की एनर्जी पर फुल मून का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है और डियर यहाँ पर ये यह दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की तरफ आपके पार्टनर का जो नाराजगी है वो बढ़ने वाली है क्योंकि आपके पार्टनर डिस्टर्ब हो रहे हैं आपके पार्टनर बेचैन हो रहे हैं उनके दिल जो है वो आपकी तरफ खिंच रहा है और डियर दिमाग जो है वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से छुटकारा पाने को बोल रहा है तो यहाँ पर पार्टनर रिस्क लेने को तैयार है थर्ड पार्टी पे नाराजगी जाहिर करते हुए दिख रहे हैं थर्ड पार्टी पे नाराज होते हुए दिख रहे हैं थर्ड पार्टी से गुस्सा होते हुए दिख रहे हैं और ये इस गुस्से में आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी का दिल भी तोड़ रहे हैं तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये सारा गुस्सा इस थर्ड पार्टी पे निकालने वाले हैं और ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आने वाली है बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी को तकलीफ होने वाली है इतना टॉक्सिक बिहेवियर आपके पार्टनर का इस थर्ड पार्टी की तरफ होने वाला है कि आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है आपके पार्टनर की जो एनर्ज चीज है वो देख के थर्ड पार्टी प जाएगी एक ऐसी एनर्जी यहां पर दिख रही है कि आपके पार्टनर पूरी तरह से इस थर्ड पार्टी को हिला के रख देंगे थर्ड पार्टी का माइंड जो है शॉक्ड हो जाएगा उसको ऐसा लगेगा कि पार्टनर के दिमाग को हो किया गया है पागल तो नहीं हो गई ये पार्टनर कहीं ना कहीं इतना ज्यादा ये कैसे इतना चेंज हो सकते है तो यहाँ पर ये चेंजिंग की एनर्जी जो है मून का इफेक्ट है और डियर इतना पावरफुल इफेक्ट यहाँ पर दिख रहा है कि इस थर्ड पार्टी की बैंड बचती हुई दिख रही है अगर इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर से किसी भी तरह से कोई कम्युनिकेशन करी या कोई सवाल जवाब करे तो यू दिखाई पड़ रहा है कि ये पार्टनर जो है इस थर्ड पार्टी को बुरी तरह से हर्ट कर सकते हैं ये पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ में बहुत कुछ कर सकते हैं और ये दिखाई दे रहे कि आपके पार्टनर जो है वो इस थर्ड पार्टी का दिल बुरी तरह से तोड़ते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर आपके पार्टनर डेविल की एनर्जी में आने वाले हैं इस थर्ड पार्टी के कोई भी सवालों का जवाब नहीं देने वाले क्योंकि अभी आपके पार्टनर को आपकी ही याद आ रही है उनके सारे इमोशंस उनकी सारी फीलिंग्स जो है आपसे अटैच होती हुई दिख रही है ये पार्टनर आपके लव को आपके प्यार को एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन इस थर्ड पार्टी को कुछ बताना नहीं चाहते और अगर कोई और इनसे किसी तरह का सवाल पूछे तो ये पार्टनर बहुत ज्यादा फाइट कर सकते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो सकते हैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हैं वो वाली एनर्जी दिख रही है किसी तरह की डेविल एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं तो डियर ये है आपके पार्टनर की फीलिंग जो दिखाई पड़ रही है कि इस थर्ड पार्टी की तरफ आपके पार्टनर जो है बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहे हैं चलिए हम कुछ कार्ड्स और निकालते हैं और देखते हैं कि इस थर्ड पार्टी का क्या होने वाला है अगर आपके पार्टनर से ये किसी तरह से बात करती है कि आपके पार्टनर को गुस्सा क्यों आ रहा है या किसी तरह से ये बोलती है तो आपके पार्टनर का क्या इफेक्ट होगा इस थर्ड पार्टी के लिए क्या आपके पार्टनर करने वाले हैं या क्या हो सकता है इस थर्ड पार्टी के साथ में तो वो चीजों को हम देखेंगे कि अगर आपके पार्टनर से थर्ड पार्टी कोई सवाल जवाब करती है तो ये पार्टनर की एनर्जीज क्या होने वाली है चलिए फोर कार्ड्स निकल चुके हैं और डियर बॉटम की एनर्जी बता रही है कि यहाँ पर एट ऑफ क्वीन ऑफ सोर्स है एट ऑफ सोर्ड्स है डियर यहाँ पर भी एट ऑफ सोर्ड था तो हमारे पास में डबल एनर्जी आई है आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी को ऐसा फील करा सकते हैं कि जैसे ये पार्टनर पार्टनर को यहाँ रहना एक जेल में बंद रहने के समान फील करा रहा है और आपके पार्टनर जो है इस थर्ड पार्टी से बिल्कुल अटैच नहीं रहना चाहते इसके बंधन से निकलना चाहते हैं ये इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर बता रहे हैं और ये ऐसा फील कराएंगे इस थर्ड पार्टी को कि जैसे आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के कंट्रोल से बाहर निकलना चाहते हैं जैसे कि ये पार्टनर जो है आपके वो कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी की एनर्जी से दूर जाना चाहते हैं तो इस कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं अगर मदर है और बहुत ज्यादा रोक रही थी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी आप दोनों के रिश्ते के बीच में आप दोनों को कम्युनिकेट नहीं करने दे रही थी आप दोनों को मिलने नहीं दिया जा रहा था आप दोनों का आ, मिलन नहीं हो पा रहा था कहीं ना कहीं रि यूनियन से रोका जा रहा था तो ये थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है हटाते हुए दिख रहे हैं इसके सारे बंधनों को काटकर आगे निकलने के बारे में सोच रहे हैं आपके पार्टनर और डियर ये चीज दिख रही है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी बहुत जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करती है ठीक है तो यहाँ पर ये एनर्जी है और आपके पार्टनर का अगर इस थर्ड पार्टी ने सवाल जवाब किए तो डियर ये पार्टनर इस थर्ड पार्टी की जिंदगी में टावर लेके आ जाएंगे आपके पार्टनर जो है इस थर्ड पार्टी की जिंदगी को हिला के रख देंगे इसको उस सिचुएशन में ले आएंगे कि जहां पर ये थर्ड पार्टी को लगेगा कि सब कुछ एंड हो गया है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को बहुत बुरी सिचुएशन में ला सकते हैं एक्शन ले सकते हैं किसी चीज का और डियर एक्शन के तौर पर यहाँ पर बता रहा है कि ये फाइट भी कर सकते हैं किसी तरह का झगड़ा किसी तरह की फाइट इस थर्ड पार्टी के साथ में आपके पार्टनर की होने वाली है और ये सब कुछ फुल मून का इफेक्ट इस थर्ड पार्टी की एनर्जी पे पड़ रहा है बिना बात के थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से पंगा लेने वाली है डियर और ये उलझने वाली है और ये खुद अपने ही हाथों इस रिश्ते को कहीं ना कहीं खराब कर देगी टावर मोमेंट को क्रिएट कर देगी सारी सिचुएशन को खत्म कर देगी और डियर आपके पार्टनर को एक्शन लेने पर मजबूर कर देगी तो ये थर्ड पार्टी की एनर्जी दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं और डियर आपके पार्टनर की बात करी जाए तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कोई रिप्लाई नहीं देने वाले वो अभी कैसी एनर्जी में दिख रहे हैं फूल की एनर्जी में रिस्क लेने को तैयार है पर कोई बात इस थर्ड पार्टी को नहीं बताने वाले किसी तरह की कोई कम्युनिकेशन भी नहीं करने वाले कुछ चीजें एक्सप्रेस नहीं करने वाले सिर्फ इस टावर मूवमेंट को देखकर ये थर्ड पार्टी कही न कहीं ना कहीं कांप जाएगी इस थर्ड पार्टी को बहुत बेचैनी होने वाली है पार्टनर का ये रुद्र रूप देखकर डियर वो चीज दिख रही है और पार्टनर पूरी तरह से सिचुएशन को खत्म कर देंगे पार्टनर सिचुएशन को ऐसी कर देंगे कि थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है एक्शन लेंगे आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाकर ये थर्ड पार्टी को कही कहीं ना कहीं हटाते हुए दिख रहे हैं इसकी जो भी कड़ी बंधी हुई है आपके पार्टनर के साथ में जिस भी तरह से अटैच है वो कहीं ना कहीं हटाते हुए दिख रहे हैं कि हट जाओ मेरी जिंदगी से मुझे तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहना है तो यहाँ पर आपके पार्टनर फाइट कर रहे हैं टावर मोवमेंट उनको फील हो रहा है वही टावर मोवमेंट वो थर्ड पार्टी को बता रहे हैं ओके डियर तो ये है थर्ड पार्टी डेली अपडेट की आपके पार्टनर की एनर्जी इस तरह की दिखाई दे रही है और बात करी जाए आपकी तो आपकी एनर्जी की मैं बात करती हूँ चलिए आपके लिए कुछ कार्ड निकालते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज यूनिवर्स बताए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूवर्स के दिल में क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर को लेके पहले तो आपके दिल की फीलिंग्स देखें कि भाई आपके दिल में क्या फीलिंग्स है यहाँ पर स्टार का कार्ड निकला है और स्टार का कार्ड बता रहा है बहुत सारे लोग जो है कहीं ना कहीं अपने विशेष को लेकर बहुत कुछ सोच रहे हैं और आप अपने आप को यूनिवर्स से डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे आप आसमान की तरफ देखकर कुछ बातें कर सकते हो सितारे देखना बहुत पसंद आएंगे आपको स्टार्स आपको बहुत पसंद आने वाले हैं और आपकी एनर्जीज में दिखाई दे रहा है कि आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो आप किसी ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपसे दूर हो गया है आप उस इंसान के एनर्जीज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हो जो आपसे दूर जा चुका है आपको लग रहा है कि आप उस पार्टनर को टेलीपैथी कनेक्ट कर लोगे क्योंकि आपको बहुत ज्यादा आ रही है। आप अपनी याद अपनी केयर उस इंसान को दिलाना चाहते हो आप चाहते हो कि यूनिवर्स जो है डिवाइन जो है किसी तरह से उस इंसान को वो फील कराए जो आपने केयर जो किसी को दी थी जो आपने किसी को लव दिया था वो चीज आप चाहते हो कि किसी को याद आए तो वो चीज के लिए आप बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हो बहुत ज्यादा मेडिटेशन करते हुए दिख रहे हो और आप में से कुछ लोग दर्द में भी दिख रहे हो बहुत ज्यादा तकलीफ में हो बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन का सामना कर रहे हो आपकी एनर्जीज में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके इमोशंस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं बहुत ज्यादा दुख भी आप फील कर रहे हो पर होप रखे हो अपनी जिंदगी में आपको होप है कि आपकी जिंदगी में वो चीजें जो आपसे दूर हो गई है किसी थर्ड पार्टी के कारण या किसी थर्ड पार्टी के कारण आपको जस्टिस नहीं मिल पाया है या आपके साथ में न्याय नहीं हुआ है या यू समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी में कुछ गलत हुआ है तो आप उस यूनिवर्स से आप उस डिवाइन पर पूरी पूरी होप रखे हुए हो और चाह रहे हो कि सब कुछ अच्छा हो जाए तो यहाँ पर सब कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है ओके तो यहाँ पर सारी चीजें ऐसे ही दिख रही है कि आपके इमोशंस बहुत हैवी होने वाले हैं आप उस पल को याद करोगे जिस पल में आपने अपने पार्टनर के साथ में कुछ अच्छे पल बिताए थे आप उस एनर्जीज को मिस करने वाले हो मेडिटेशन करोगे किसी तरह का मैनिफेस्टेशन यहाँ पर कर सकते हैं होप रखकर आप उस पार्टनर को बहुत मिस करने वाले हो मिसिंग एनर्जी रहेगी डियर हैवी रहेगा जो भी कुछ रहेगा तो आई होप आपसे रीडिंग जो है रेजोनेट करी होगी कुछ ना कुछ गाइडेंस मिला होगा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं प्लीज बेल आइकन को प्रेस करना मत भूला कीजिए डियर ताकि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके तो ऑल पे प्रेस किया कीजिए बेल आइकन को जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे पुराने व्यूवर्स मेरे पुराने सब्सक्राइबर आपको बहुत बहुत थैंक यू दिल से बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है हमारा दूसरा चैनल भी ग्रो कर रहा है वो है उस पर मैं ज्यादातर वीडियो करंट फीलिंग से रिलेटेड बनाती हूँ लेट नाइट थॉट नो कांटेक्ट ये वाली वीडियोस वहां पर आपको मिलती है तो आ होप आपको आ, वो चैनल भी अच्छा लगेगा और उसमें कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी ओके okay डियर तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे